अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार सा ग्रिल चिकन विद वेजेस बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सी झटपट सी रेसिपी है। अगर आप भी ग्रिल चिकन विद वेजेस बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। आप चाहें तो इस रेसिपी को ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस रेसिपी को टोटली ग्रिल पर बनाऊँगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसे सिंपल पैन में भी बना सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 700 ग्राम चिकन लिया है। मैंने टोटली डार्क मीट लिया है, अगर आप चाहें तो वाइट मीट भी ले सकते हैं। हम इसे अच्छी तरह तमाम साइडों पे कट्स लगा लेंगे ताकि जो हमारी मैरिनेशन है वो अंदर तक जा सके। अब हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बाउल लेंगे, उसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर नमक की क्वांटिटी 1/2 टीस्पून रखी है, क्योंकि हम इसमें सॉसेस डालेंगे, उसमें भी नमक ऑलरेडी होता है। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें अपनी कुछ सॉसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने मस्टर्ड सॉस ऐड की है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड की है, और साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड की है। अब हम इसमें 2-3 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर देंगे। आप विनेगर की जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें मिक्स हर्ब ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून हम इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, और इस सब मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे कम से कम 5 आवर्स ज़रूर मैरिनेट करके रखें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम यहाँ पर अपनी वेजेस ले लेंगे। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मशरूम्स, कैप्सिकम, कैरेट, अनियन एंड पोटैटो लिया था। नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रिल पैन ले लेंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप सिंपल प्लेन पैन भी ले सकते हैं। इसमें हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसे 5-10 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक करेंगे ईच साइड। इस पॉइंट पे हम जो फ्लेम है उसे मीडियम लो रखेंगे। हम इसे हाई फ्लेम पे कुक नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमारा जो चिकन है वो अंदर से कुक नहीं होगा और बाहर से गोल्डन कलर में आ जाएगा। आप चाहें तो इसे ओवन में 20-30 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। चिकन को हम मीडियम लो फ्लेम पे कुक होने देते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो हमारी मैरिनेशन बच गई थी हम उस पर अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने कैरेट और पोटैटो को बॉयल कर लिया था। बाकी की भी वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि वेजिटेबल्स में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सॉस या स्पाइसेस ऐड नहीं की थी। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पे रख देंगे, और अब हम चलते हैं अपने चिकन की तरफ। तकरीबन वो हमारा यहाँ पर कुक हो चुका था। आप देख सकते हैं कि चिकन पर बहुत अच्छे से कलर आ चुका था। अब हम इसमें से अपना चिकन जो है प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी पैन में हम अपनी तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद हम पहले इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि जो पैन में मटेरियल लगा हुआ है वो बर्न ना हो और वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। फाइव मिनट्स के बाद हम फ्लेम को हाई कर लेंगे
और अपनी वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करेंगे, हम इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। अगर आपको सॉफ़्ट वेजिटेबल पसंद है तो आप इसे मज़ीद 5 मिनट और कुक कर सकते हैं। अगर आपने क्रंची वेजिटेबल्स रखनी है तो आप इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए कुक कीजिएगा। फ्लेम को हम लो कर देंगे और हम इसके ऊपर अपना ग्रिल किया हुआ चिकन रख देंगे। हमारा मज़ेदार सा ग्रिल चिकन विद वेजेस तैयार है। आप चाहें तो इसे चपाती या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान सिंपल सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करने के बाद घर वालों ने क्या कमेंट दिए मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें मज़ीद मज़ेदार जायकेदार रेसिपीज़ के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।